दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे द 100 मैंस मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा लंदन वर्सेस मैनचेस्टर के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में फ़िलिप सॉल्ट का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ओपन करते हुए नज़र आएंगे हार्ड हिटर बैट्समैन है। लास्ट मैच के बारे में बात करूं 34 रन इन्होंने करे, उससे पहले 40 रन इन्होंने करे, फिर 7 रन इन्होंने करे, 16 रन इन्होंने करे और 0 रन करे। अब देखो परफॉर्मेंस एवरेज रही है, लेकिन इनके बारे में ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ फॉर्म में या फिर ये फॉर्म में, क्योंकि भाई ये आते और आते हिटिंग करते, अगर लग गए तो चौके छक्के मार देंगे वरना जल्दी आउट हो जाएंगे। तो एक तरीके से गेम चेंजर प्लेयर है, इनके ऊपर विश्वास हम नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते रन करेंगे या नहीं, लेकिन स्मॉल लीग में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों एम पेपर ये एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच में 2 रन पे आउट हो गए, उससे पहले इन्होंने 20 रन करे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट मैच में 2 रन इन्होंने करे थे 4 बॉल्स में, उससे पहले जो ये 20 रन करे वो 21 बॉल्स में करे थे, उससे पहले 3 रन इन्होंने करे वो 7 बॉल्स में करे, 16 रन इन्होंने करे उससे पहले 12 बॉल्स में करे, 12 रन इन्होंने करे 11 बॉल्स में। अब ये बॉल्स में आपको क्यों बता रहा हूँ कि यार देखो द 100 टूर्नामेंट ऐसा है कि ये T20 से भी शॉर्ट टूर्नामेंट है, उससे भी छोटा है, और उसमें भी जो है रन से ज़्यादा बॉल्स खेल रहे, यानी कि काफ़ी स्ट्रगल करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इसलिए मैं अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी हर्स्ट ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे मैथ्यू, लास्ट मैच में 50 रन इन्होंने करे, उससे पहले 78 रन इन्होंने करे, फिर 2 रन करे, 30 रन करे, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं दोस्तों बैटिंग में बात करें, लॉरेंस एक अच्छे प्लेयर है, नंबर 4 पे बैटिंग करते हो, लास्ट मैच में 4 ही रन पे आउट हो गए, उससे पहले 27 रन इन्होंने करे, फिर 20 रन इन्होंने करे, 1 रन इन्होंने करे, 38 रन इन्होंने करे। इनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो कि यार ये बंदा रन करके दे सकता है और ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं, तो इसलिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। हेटमायर को अगर आप रखना चाहते हो, अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले 20 रन इन्होंने करे दोस्तों, फिर 30 रन इन्होंने करे, 16 रन इन्होंने करे, 5 रन करे। दोस्तों हेटमायर को वैसे मैं कभी लेता नहीं हूँ और ये परफॉर्म भी नहीं करते जब मैं इनको ड्रॉप करता हूँ तो, लेकिन आज के मैच में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूँगा क्योंकि टॉस के अकॉर्डिंग रखने वाले हूँ, लेकिन अगर लंदन पहले बैटिंग कर रही है तो भाई अगर आप रखना चाहते हो नहीं चाहते, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा लंदन पहले बैटिंग करती है तो आज ज़रूर रखिएगा, मुझे लगता है ये प्लेयर आज चलेगा। ग्रैंडली खेल रहे हो तो टॉस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा आपके लिए, ग्रैंडलिंग में तो रख लेना, आज ये प्लेयर चलने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं नहीं रख रहा, लेकिन टॉस के बाद मैं इनको रखने वाला हूँ। ऑयली पोपे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे, लास्ट में 10 रन करे, उससे पहले 4 रन करे, फिर 12 रन इन्होंने करे, इसलिए अभी मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। दोस्तों जे ओवरटन एज ए फिनिशर के रूप में खेलते हैं, नंबर 5 आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मिनट में 14 रन इन्होंने करे, उससे पहले 7 रन इन्होंने करे, 25 रन इन्होंने करे, 0 रन करे, 23 रन करे, आप चाहो तो रख सकते हो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो। बाकी यहाँ पे होल्डन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन यार इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे हो चुका है नंबर 7-8 पे, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैडसन को आप रखिए यार, ये प्लेयर गेम चेंजर हो सकता है। नंबर 3 बैटिंग करता है, लास्ट मिनट में 15 रन करे, उससे पहले 0 रन इन्होंने करे,
फिर 43 रन इन्होंने करे, 28 रन इन्होंने करे, 5 रन करे, कुछ ऐसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। ये एक अच्छे प्लेयर है, मैं इनको लेके चल रहा हूँ। दोस्तों एक और ऐसा प्लेयर मैं आपको बताऊँगा जिनका सेलेक्शन कम है लेकिन वो परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे जेनिंग्स ओपन करेंगे, लास्ट में 31 रन करे, उससे पहले 14 रन इन्होंने करे थे दोस्तों। डोमेस्टिक वगैरह में 107 रन इन्होंने करे, 44 रन इन्होंने करे, ये प्लेयर अच्छा है, मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। तीन हमारे बैट्समैन रहेंगे ऑलराउंडर में, आंद्रे रसेल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब रसेल का बैटिंग ऑर्डर रहता है नंबर 7 पे, अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बॉलिंग करती है टीम तो ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में तो इंपॉर्टेंट है ही। लास्ट 5 मैचेस में 1 विकेट इन्होंने बॉलिंग से निकाला, जबकि बैटिंग से 23 रन लास्ट मैच में करे, उससे पहले 12 रन, फिर 0 रन इन्होंने करे, 37 रन करे, 13 रन, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा है, मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। सिकंदर रजा के बारे में बात करें दोस्तों, एक और आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में लेके चल सकते हो। नंबर 6 पे बैटिंग करते, लास्ट रन में 1 रन पे आउट हो गए थे, उससे पहले इन्होंने 8 रन करे, फिर 13 रन इन्होंने करे दोस्तों, 21 रन इन्होंने करे, अगेन 13 रन करे, लास्ट 5 में से 4 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए 4 विकेट भी निकाले, एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। डॉसन का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, हालांकि बैटिंग कर सकते हैं लेकिन मेन चीज़ रहती है बॉलिंग। लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 7 विकेट इन्होंने निकाले, आप इनको लेके चल सकते हो। भाई वॉल्टर आपके लिए यार इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। नंबर 4 बैटिंग करते, लास्ट रन में 28 रन करे, उससे पहले 3 रन करे, फिर 6 रन इन्होंने करे, 29 रन करे, 0 रन करे, लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट भी इन्होंने निकाले हैं, इनको भी मैं लेके चल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे हार्टली का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, आप चाहो तो लेके चल सकते हो। कई बार इनके ओवर कट जाते हैं, कई बार पूरे ओवर भी डाल देते हैं, लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट ये निकाल पाए। क्रिचली हार्टली से बढ़िया मैं बोलूँगा यार, क्रिचली के ऊपर आप रिस्क लेके चल सकते हो, ये प्लेयर थोड़ा सा गेम चेंजर बन सकता है। लास्ट 5 मैचेस में 6 विकेट इन्होंने निकाले अभी तक, फिलहाल तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, 4 मेरे ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग के बारे में बात करें, ऑयली स्टोन एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लंदन पहले बॉलिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। फजल अक फारूकी यहाँ पे ओपन डेथ में बॉलिंग करते, लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट निकाल पाए। देखिए अगर लंदन पहले बॉलिंग करती है तो आप स्टोन को रखिए, और मैनचेस्टर बॉलिंग करती है तो फजल को, दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो जिसकी टीम बॉलिंग करती है। नेथन लाइस एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, विकेट टेकर बॉलर है, लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट निकाले। उसामा मीर मैनचेस्टर पहले बॉलिंग करती है तो ग्रैंड लीग वगैरह में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर मैनचेस्टर बैटिंग करे तो ज़रूर रखिएगा, लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले। स्कॉट करी एक और अच्छे ऑप्शन है, ओपन में बॉलिंग करवाते, इनको आप रख सकते हो, लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट अभी तक निकाले, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे। ग्लेसन ओपन में बॉलिंग डालते, और अगर आप यहाँ पे मैनचेस्टर के देखोगे प्लेयर, फिलिप सॉल्ट, हर्स्ट है, मैडसन है, तो टॉप 3 जो बल्लेबाज है वो हार्ड हिटर है, आउट भी हो सकते, तो ग्लेसन विकेट निकाल के दे सकते, लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 8 विकेट इन्होंने निकाले। इनके अलावा कोई खास ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे इलायस को अपनी टीम में रखना चाहूँगा, और फिलहाल के लिए उसामा मीर, बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर हम देखते हैं, डॉसन को लोग कर रहे, बट मैं डॉसन को सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप वॉल्टर को कर सकते, सिकंदर रजा को कर सकते, ये प्लेयर आपके लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले जिनको आप एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। आंद्रे रसेल भी है, बट आंद्रे रसेल को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। और बैटिंग में अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हो, फिलिप सॉल्ट भी एक अच्छे ऑप्शन है। मेरे कैप्टन जो रहने वाले इस मैच में वो वॉल्टर रहेंगे दोस्तों, और वाइस कैप्टन जो मेरे रहने वाले वो सिकंदर रजा रहेंगे। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।